गाइस होप सब से बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपना रख रहे होंगे बहुत सारा ख्याल, मुझे रख रहे होंगे दुआ में याद। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉन कलेक्शन पर डिजाइन आइडियाज, जो कि मैंने खास तौर पर लोगों के तैयार किए हैं और खास तौर पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डिजाइन। ये जो सारे डिजाइन है मैं खुद अपनी तरफ से जो मेरे जहन में थे वो मैंने रेडी किए, मैंने कहीं से भी कॉपी नहीं किए और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे हैं। और खास तौर पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शर्ट्स हैं और फुल सूट्स भी हैं, ट्राउजर के साथ भी हैं और पैंट पजामे के साथ भी हैं, बहुत ही प्यारे डिजाइन है, आप किसी भी तरह इनको स्टिच करवा सकते हैं। ये जो मैं आज आपके लिए कलेक्शन लेकर आई हूँ ये तकरीबन 15 साल या 20 साल की लड़कियां जो है वो शॉर्ट फ्रॉक के साथ या फिर लॉन्ग फ्रॉक के साथ किसी भी तरह रेडी करवा सकती हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पर एक शर्ट जो है ये फ्रॉक, एक शर्ट मैंने ली थी 2.5 मीटर की, ये शर्ट थी और मैंने इसको फ्रॉक के टाइप में स्टिच किया है प्लेट लगाकर। और ये आप देख सकते हैं प्लेट मैंने दिए हैं इसके फ्रंट साइड पर, दो दो प्लेट मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि प्लेट डालने बड़े बड़े मुश्किल हैं, कुछ समझ नहीं आती, तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो प्लेट अगर आपने डालने हैं तो आप जो फ्रॉक है या जो भी आप कपड़ा ले रहे हैं उसको आप सिंपल प्रेस करके और इस्त्री के साथ जो आयरन करें आप इसको, और इसके साथ एक गम लगाकर प्लेट्स को चिपका दें, गम लगाने के बाद प्लेट चिपक जाएंगे तो फिर आसानी के साथ जो है वो जो प्लेट्स है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान तरीका प्लेट्स डालने का। तो यहाँ पर ये जो फ्रॉक मैंने स्टिच किया बहुत ही प्यारी है और ये कफ लगाए हैं गले के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये तकरीबन 15 साल की बच्ची की शॉर्ट फ्रॉक मैंने रेडी की है और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़े से यहाँ पर जो है प्लेट्स के ऊपर मैंने लटकन लगा दिए हैं, कुछ बहुत खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि सेम कलर के मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने बाजार से नहीं लिए तो जो मेरे पास पड़े थे वो मैंने लगा दिए हैं। तो जो बाजू है इसके उन पर मैंने लगाया है कफ, ये कफ लगाकर बाजू बनाए हैं और जो सेम कपड़ा मैंने गले पे लगाया है उसी टाइप का कपड़ा जो है वो मैंने बाजू के ऊपर लगाकर उसके आगे मैंने सीढ़ी लैस लगा दी थी जो कि मेरे पास अवेलेबल थी। और ये फ्रॉक बड़ी खूबसूरत जो है वो बनके रेडी हो चुकी है, ठीक है ना। तो जो इसका घेरा है उसके ऊपर भी मैंने जो है इसके जो नीचे मैंने जो ये शिटल लैस है वो लगा दी है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो जो बैक साइड है ये वाली, ये इस पर भी मैंने प्लेट लगाए हैं और ये सिंपल है बिल्कुल, और बिल्कुल भी इनका जो इनके ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया। बैक गले पर मैंने कट लगाकर, जैसे मैं सब फ्रॉक के रखती हूँ, कट लगाया और एक एक बटन लगाया ताकि गला आसानी से डाला जा सके। गले में बच्चों के छोटे रखती हूँ, बड़े गले बिल्कुल भी बच्चों के अच्छे नहीं लगते, तो छोटे गले जब रखते हैं तो वो फिर डालने काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने गले के बैक साइड पे कट रखती हूँ और एक बटन लगा देती हूँ ताकि गले जो है वो आसानी से डाले जा सके। तो ये बड़ी खूबसूरत फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसका आइडिया लेकर बिल्कुल सेम टू सेम आप दर्जी से स्टिच करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और या फिर आप समर जो विंटर कलेक्शन उसके ऊपर भी रेडी करवा सकते हैं, पैंट के साथ पहनने के लिए फ्रॉक भी रेडी करवा सकते हैं, इसके साथ आप जो वो ट्राउज़र है वो भी रेडी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ ही ये दूसरी फ्रॉक ली है, ये भी मैंने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो इसका बनाया है और ये इसके ऊपर जो मैंने प्लेट्स डाले हैं ये मैंने साइडों पर कट लगाकर, फुल कपड़ा लिया था मैंने शर्ट का और उसकी मैंने कटिंग नहीं की थी, सिर्फ मैंने यहाँ पर कट लगाकर इसके प्लेट्स जो हैं वो हाफ हाफ प्लेट्स मैंने साइडों पर फ्रंट पे और बैक पे मैंने डाल दी हैं, आपको क्लियर नज़र आ रहे होंगे, इस तरह मैंने ये प्लेट्स डाल दी हैं और फिर मैंने इनको स्टिच करके ऊपर मैंने जो है वो डोरी जो है वो जिगजैग डोरी वो मैंने लगा दी है, ठीक है ना। जो इसका घेरा है वो बिल्कुल गोल है, उसके ऊपर भी मैंने जिगजैग डोरी लगा दी थी, ये मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने कोई खर्चा नहीं किया इन कपड़ों पर, बिल्कुल भी इतना खर्चा नहीं आया, सिंपल तरीके से मैंने रेडी किए, घर में जो सामान पड़ा हुआ था उससे मैंने रेडी कर लिए थे, जो फालतू बचा हुआ या फिर जो मेरे जो थोड़ा बहुत मुझे लेना पड़ा था, ठीक है। तो गला मैंने लगाया है ट्राउज़र के साथ का कपड़ा लिया था उसका मैंने गला जो बना के इस तरह से लगा दिया और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और बाजू जो है बाजुओं के बीच में मैंने कंधे के साइड पे मैंने ऐसे कट लगाया, उसके ऊपर ये लटकन दो मैंने लटका दिए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप इसी तरह जो है इसी तरह भी रख सकते हैं और इनके ऊपर इनके दरमियान में आप जो है वो लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं और कुमकुम कुछ भी आप लगा सकते हैं, अगर आपको जो भी आपको पसंद है वो आप लगा सकते हैं इस डिज़ाइन से आइडिया लेकर, ठीक है ना। तो ये इसकी बैक साइड है,
बैक साइड पर जैसे मैं सबके गले रखती हूँ वैसे बच्चों के मैंने गले रखे हैं। ये 15 साल की बच्ची का जो फ्रॉक है, शॉर्ट फ्रॉक मैंने रेडी किया है, तो आप इस तरह जो है वो जो बड़े लड़कियां हैं वो भी इस तरह के रेडी करवा सकते हैं, गला सिंपल रख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा, ठीक है ना। इसके साथ ही मैंने सिंपल ट्राउजर जो है वो मैंने इसके साथ रेडी किया, थोड़े से पाउचे मैंने इसके जो है वो खुले रखे हैं, इलास्टिक डाली है इसके अंदर और सिंपल ट्राउजर मैंने इसके साथ स्टिच किया है। जब फ्रॉक के ऊपर ये शर्ट के ऊपर डिजाइन लगा दिया जाता है ज्यादा, तो फिर जो जो इसके साथ ट्राउजर होता है वो आप सिंपल ही तैयार किए करिएगा, क्योंकि फिर ज्यादा ओवर डिजाइनिंग हो जाती है और वो इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये थे आज के ड्रेस डिजाइन जो मैंने आपके लिए खास तौर पर लेकर आई थी और बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा मेरे जो आइडियाज़ हैं डिज़ाइनिंग के वो आपको कैसे लग रहे हैं। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत सारे रखिए ख्याल, मुझे रखिए तो हमें याद, अल्लाह हाफिज़।